किसान आत्महत्या मामले में राजनीति तेज, पूर्व मुख्यमंत्री प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन को उनके पत्राचार। ये सरकार की नजरिया, इनका देखने का नजर देख, हमने पहले किस सरकार को आगाह किया था, देश में जिस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो आज हमारे राज में ना आए, यहाँ पर भूख से जो लोगों की जाने जा रही है ये ना हो, यहाँ लोग बेरोजगारी से आत्महत्या करें, ये आग हमारे राज में ना आए। लेकिन ये सरकार ने मुखदर्शक बन करके इन सभी चीजों को देखा है कि, और हम ये भी देख रहे हैं, बेरोजगार नौजवान आत्महत्या कर रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एक किसान ने कई आधा दर्जन के लगभग किसानों ने आत्महत्या किया है, और सभी छोटे छोटे कर्ज लेकर 20,000-25,000 कर्ज लेकर, और वो किसान बेचारा प्रकृति के भरोसे जी रहा है, सरकार के भरोसे नहीं जी रहा, और सरकार जो सरकारी योजना की नाम पर अपना पीठ थपथपा रही है वो बिल्कुल ही सरकार किसानों जो मालिक है इस मतलब धरती का जो मालिक है उसको आज ये लोग भिकमंगा बनाने पर लगे हैं। और निश्चित रूप से आज ये बहुत दुखद है इस देश के लिए और हमारे जैसे किसान प्रधान प्रदेश के लिए, जहां 80% लोग खेती बाड़ी पर वास करते हैं। आज इनको पता नहीं लखन माथुर जी का कोई खेत दिखा जहां करेला लगा हुआ है, और उससे इनको लगता है कि इनके पास करोड़ों रुपया है। किसान खेती नहीं करेगा, गजब है, किसान खेती नहीं करेगा तो क्या शहर में रहने वाले लोगों की तरह नौकरी चाकरी तो उसका है नहीं। हेमंत सोरेन ने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की और कहा कि पूरी तरह से सरकार ऐसे मामलों पर घिर चुकी है और आगे जो है विपक्ष की भूमिका जेएमएम निभाएगी, प्रखंड मुख्यालय घेरने की पूरी तैयारी चल रही है।